नमस्कार, पेश ने हुण तक दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार आम लोगों दी समस्यावां तों भली भांत जाणू अते उन्हां दे हल कढ़न लई निरंतर यतनशील है। उत्तर प्रदेश में पेंडू जल सप्लाई प्रोजैक्टां दा नींह पत्थर रखण मौके समागम नूं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्हां योजनावां विच लोगों की भागीदारी हुंदी है उह योजनावां सफलता नाल नेपरे चढ़दियां ने। जल सप्लाई योजना का जिक्र करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलावां पानी नूं बचाउण विच वड्डा योगदान दे सकदियां ने। उन्हां विद्यांचल खेत्र दे लोकां नूं इस योजना दे नींह पत्थर रखे जाण ते वधाई भी दित्ती। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी दे इस दौर विच विकास की रफ्तार बरकरार रखण की कोशिश की गई है, जिसकी प्रतख उदाहरण उत्तर प्रदेश ने पेश की है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के विद्यांचल खेत्र के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में 5,555 करोड़ रुपए की लागत नाल पीण वाले पानी की सप्लाई के प्रोजैक्टा के नींह पत्थर रखे। प्रोजैक्टा के अगले 24 महीनों में मुकम्मल करन दा टीचा निर्धारित किया गया है। इन्हां प्रोजैक्टा के मुकम्मल होने तो बाद मिर्जापुर और सोनभद्र जिले के 2,995 पिंडां के सारे घरां नूं पीण वाले पानी का कनैक्शन मुहैया करवाए जाणगे, जिस नाल 42 लाख लोगों नूं लाभ मिलेगा। इस प्रोजैक्ट लई पिंड पद्धर से जल और सैनिटेशन कमेटियां और पानी समितियां स्थापित कीतियां गईआं, जिन्हां कोल पिंड पद्धर से प्रोजैक्टा नूं चालू रखण और उन्हां दे रख रखाव की जिम्मेवारी होवेगी। समागम दौरान प्रधानमंत्री ने पिंडां दीआं इन्हां कमेटियां ते समितियां दे मैंबरां नाल भी गलबात कीती। जम्मू कश्मीर के पुलवामा विच सुरक्षा बलों ने अतवादी जथेबंदी जैश ए मुहम्मद के दो करिंदियां नूं गिरफ्तार किया है। पुलिस वालों दिती गई जानकारी मुताबिक मुढ़ली पुछ पड़ताल दौरान दोवां व्यक्तियों की पछाण की जा चुकी है। इन्हां विचों एक दा नाम बिलाल अहमद चौपान है, जो कि वागत तराल का वसनीक है, और दूजे व्यक्ति की पछाण पंपोर के मुरसालीन बशीर शेख वजो हुई है। पुलिस ने दसिया कि यह दोवें व्यक्ति पंपोर और तराल खेत्र विच जैश के अतवादियों हथियार गोली सिक्के समेत पनाह भी देंदे सन। उन्होंने दसिया कि गिरफ्तारी दौरान जैश के इन्हां करिंदियां कोलों इतराज़योग समगरी भी बरामद की गई है। पुलिस वालों तराल और पंपोर थाणियां विच वख-वख धारावां तहत दोवें व्यक्तियों खिलाफ मामला दर्ज किया, अगलेरी जांच शुरू कर दी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अतवाद खिलाफ विश्व भाईचारे को एकजुट होने का सद्दा दिता है। लाल बहादुर शास्त्री कौमी उत्मता पुरस्कारों के वंड समागम दौरान संबोधन करदे नायडू ने कहा कि अतवाद की पुश्त पनाही करने वाले देशों नूं अलग थलग करके उन्होंने पाबंदियां लाइया जानिया चाहिए ने। अतवाद के वधदे खतरे से चिंता जतांदिया उपराष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र नूं अतवाद खिलाफ नीतियां नूं नेपरे चाढ़न की अपील की, नाल ही भारत वालों लंबे समय तो की जा रही कौमांतरी अतवाद से व्यापक कन्वेंशन की मंग नूं अपनाउण लई भी कहा। नायडू ने कहा कि दुनिया के कई मुल्कों में अतवादी घटनाओं में हुण तक सैकड़े लोगों ने जाना गुआईया ने, भविख में इस नूं ठल पैनी चाहिए है। संयुक्त राष्ट्र में सुधारों संबंधी विचार करदिया वेंकैया नायडू ने कहा कि बदलते विश्व में वधेरे समानता टिकाऊपण की लोड़ है। उपराष्ट्रपति ने विशेष तौर पर दक्षण एशिया के मुल्कों नूं शांति नूं प्रफुल्लित करन, गरीबी हटाउण, लोगों की समाजिक आर्थिक स्थिति नूं बेहतर बनाउण अते अतवाद खिलाफ एकजुट होने की अपील की। इस मौके उपराष्ट्रपति वालों लाल बहादुर शास्त्री उत्तमता पुरस्कार इनफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति नूं दिता गया। केंद्र वालों पंजाब हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कोविड के प्रबंध लिए उच्च पद्धरी टीमां भेजिया गई ने। इन सूबों में जां तां एक्टिव केसों में बहुत ज़्यादा वाधा होया है, जां रोज़ाना कोरोना केसों में तेज़ वाधा दर्ज किया जा रहा है। केंद्र अनुसार इन सूबों में भेजिया गई यह टीमां उन्हां जिलों में तैनात होणगियां जिथे कोविड के सब तो वध मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। टीमां वालों कोविड-19 ते काबू पाउण, सर्वेखण, टेस्टिंग, इनफेक्शन रोकण समेत होर उपावां अते पुष्टि वाले मामलों के इलाज संबंधी प्रबंध विच मदद करनगियां। इस तों पहलां केंद्र वालों हरियाणा, राजस्थान, मणिपुर, गुजरात अते छत्तीसगढ़ सूबियां विच भी उच्च पद्धरी टीमां भेजियां गईयां सन। फिरोजपुर पुलिस ने एक वड्डी सफलता हासिल करदियां थाणा कैंट फिरोजपुर खेतर चों एक व्यक्ति नूं 1 किलो हैरोइन समेत गिरफ्तार किया है। इस हैरोइन की कीमत 5 करोड़ रुपए दसी जा रही है। CAI स्टाफ फिरोजपुर की गश्त पार्टी नूं एक विशेष थां ते एक व्यक्ति वालों हैरोइन वेचे जाण की खुफिया जानकारी प्राप्त हुई, जिस तों बाद पुलिस पार्टी ने फिरोजपुर कैंट विखे 7 नंबर चुंगी ते नाका लगाया अते एक व्यक्ति नूं 1 किलो हैरोइन समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पछाण गुरप्रीत
ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਪੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।